नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप सभी का क्लाइमेक्स परिवार में स्वागत है तो पिछली क्लास में हम लोग ने अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू किया था और अल्फ़ाबेट का हमने टाइप फर्स्ट और टाइप टू खत्म कर लिया था तो आज की क्लास में हम उसी के आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट को जब सीधे क्रम में हो तो अल्फ़ाबेट को सीधे क्रम में पढ़े थे और आज क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट का जब विपरीत क्रम हो यानी रिवर्स ऑर्डर हो तो देखिएगा आप लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड इधर ए b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y और z अब देखिए आप लोग ये क्या था ये हमारा बाया पक्ष था क्या था ये बाया पक्ष था और ये दाया पक्ष था अब अगर नीचे वाले की बात करें तो जो हमारा बाया पक्ष था ये क्या हो जाएगा ये बाया पक्ष हो जाएगा ये बाया पक्ष हो जाएगा और ये दाया पक्ष हो जाएगा तो देखिए अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जो जो लेटर हमारे क्या थे जो लेटर पहले हमारे दाएं पक्ष में थे वो लेटर हमारे बाएं पक्ष में आ गए और जो लेटर हमारे बाएं पक्ष में थे वो लेटर दाएं पक्ष में चले गए तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि क्या करेंगे देखिए जब हमें कहीं लेफ़्ट दे दिया जाए लेफ्ट दे दिया जाए तो लेफ्ट को और राइट दे दिया जाए तो हम क्या कह करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर लेफ्ट आ जाता है तो लेफ्ट को क्या कर देंगे लेफ्ट को राइट right में चेंज कर देंगे और राइट right को लेफ्ट में चेंज कर देंगे क्यों चेंज कर देंगे देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो अच्छा लेफ्ट साइड थे वो राइट right साइड आ गए हैं और जो राइट right साइड थे वो लेफ्ट हो गया है तो यानी जो हमारा राइट right था वो लेफ्ट हो गया और जो लेफ्ट था वो राइट right हो गया तो क्या करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या लेफ्ट को राइट right कर देंगे और राइट right को लेफ्ट कर देंगे तो ये चीज़ आपको रिवर्स ऑर्डर में ध्यान देनी पड़ेगी तो ये आप लोग लेख लिख लीजिए कि लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करना है देखिए तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखिए अगर इसको नोट कर लीजिए हम बताते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा क्वेश्चन की बात करें अगर तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा यदि बोल रहा है यदि अंग्रेजी बर्ड माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के ठीक बाई ओर कौन सा होगा तो अक्षर एम के ठीक बाई ओर देखिएगा आप लोग ए बी सी डी को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम अक्षर एम क्या है ये अक्षर एम के ठीक क्या पूछा है दाई ओर पूछा है कि बाई ओर पूछा है हमसे पूछा है अक्षर एम के ठीक बाई ओर कौन सा अक्षर होगा तो देखिए अगर हम सीधे में बात करें तो अक्षर एम के ठीक ओर क्या रहा है ठीक बाई और क्या रहा है एल आ रहा है लेकिन जब विपरीत में बात करें तो अच्छर एम के ठीक क्या बाई और हमारा एन आ रहा है, तो है। यानी कि देखिए जो दाया था वो बाया हो गया जो राइट था देखिए जो राइट हो गया राइट था वो लेफ्ट हो गया जो लेफ्ट था वो राइट हो गया तो हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि अक्षर अच्छा, एम के बाई और कौन सा अक्षर अच्छा आएगा तो अक्षर एम के बाई और कौन सा आ गया अक्षर एम के बाई और हमारा एन राइट आंसर हो जाएगा चलिए तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे तो जहाँ लेफ़्ट होगा तो राइट कर देंगे और राइट को लेफ्ट कर देंगे तो अगर नोट बना कर लिखना चाहते हैं तो नोट बना कर लिख लीजिएगा कि जब बर्डमाला को विपरीत क्रम में विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो सार्थक क्रम में बदलने के लिए क्या करते हैं आप लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देते हैं चलिए तो क्वेश्चन ऊपर बात करें तो क्वेश्चन की लिए कैसे आते हैं देखिएगा इसको आप नोट कर ले कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट इस ले लीजिए अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन पहला देखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन बात करें क्या कह रहा है क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से दसवां अक्षर कौन सा होगा क्या बोल रहा है देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां यानी कि दाईं ओर से 10वां यानी कि राइट से राइट से दसवां राइट से दसवां बोल रहा है अब हमने आपको बताया था क्या पूछा दाई ओर से दसवां अक्षर कौन सा होगा तो हमने आपको बताया था क्या बताया था कि जब राइट आएगा तो राइट 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 को लेफ्ट में चेंज कर देंगे तो राइट को जब लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा एल दस और एल दस का मान क्या होता है एल दस की वैल्यू हमारी क्या होती है एल दस होता है हमारा किसका होता है एल दस राइट लेफ्ट से दस कौन सा होता है लेफ्ट से दस हमारा जे होता है तो हमारे उत्तर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर जे हो जाएगा तो इसको आप नोट कर लीजिए

दाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर आठवाँ अक्षर यानी कि लेफ्ट आठवाँ अक्षर कौन सा होगा तो हम बताया था क्या विपरीत क्रम में दिया है विपरीत में क्या करेंगे राइट को लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट को राइट कर देंगे तो ये एल एल सेवन और एल क्या आर एट हो गया अब देखिए बताया था हम लोग आपको कि क्या है जब राइट लेफ्ट और लेफ्ट हो समान दिशा हो तो क्या होती हैं घट जाती हैं और जब आसमान दिशा हो तो आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या हो गया एल सात और आर आठ कितना हो जाएगा एल पंद्रह और एल पंद्रह किसकी एल पंद्रह का मान क्या होता है एल पंद्रह का मान हमारा क्या होता एल पंद्रह का मान ओ हो जाता है चलिए इसको भी नोट कर लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमसे करा अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाई छोर से दाई ओर से पंद्रवा अक्षर कौन सा होगा तो क्या बोला है दाई ओर से पंद्रह उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाई ओर से पंद्रवा यानी कि राइट से पंद्रवा अक्षर कौन सा होगा तो देखिए राइट से पंद्रहवा अक्षर पूछ रहा है तो हम राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा एल पंद्रह और एल पंद्रह का मान क्या होता है एल पंद्रह किसका मान होता है एल पंद्रह ओ का मान होता है किसका होता है ओ का होता है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अल्फाबेट में बड़ा क्वेश्चन ज्यादा बनता ही नहीं है तो ये क्या होता है बेसिक होता है और आप इसको नोट करते जाइए और इसका बेसिक सीखते जाइए पहले फिर बेसिक फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे इसके अभी चलिए इसको नोट कर लीजिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा अगला क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन दाएं से तीसरे अक्षर के बाई ओर अठारवा होगा तो देखिए क्या बोला है तो कौन दाई ओर से दाई से यानी कि राइट से तीसरे अक्षर राइट से तीसरे अक्षर के बाई ओर कौन सा आठवां पूछा है अठारवा बाई ओर अठारवा अक्षर कौन सा होगा तो ये राइट दिया है ये लेफ्ट दिया है तो क्या करेंगे राइट को लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट को राइट कर देंगे तो ये क्या हो गया एल तीन एल थ्री हो गया और राइट एटीन हो गया तो ये एल क्या है ये इस दोनों आसमान दिशा हैं आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल ट्वेंटी वन और एल ट्वेंटी वन किसका मान होता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मान होता है हमारा किसका होता है यू का होता है क्या ट्वेंटी वन यू का होता है तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा आंसर यू हो जाएगा चलिए तो ये टाइप फर्स्ट था टाइप थर्ड था अब बात करेंगे टाइप फोर की तो टाइप फोर में क्या हेडिंग डालिए देखिएगा टाइप फोर में क्या होगा अभी क्या करते थे अभी ये बाएं पक्ष से दिया दिए तो बाएं पक्ष से दिया था अब क्या होगा अब दाएं पक्ष से क्वेश्चन पूछेगा तो हेडिंग क्या डाल लेंगे आप लोग टाइप थर्ड में बड़माला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न और दाएँ ओर की व्यवस्था कौन सी दाएँ ओर की व्यवस्था तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन अभी तक क्या पढ़ा था अभी तक पढ़ा हमने बाई ओर की व्यवस्था अब पढ़ेंगे दाएं ओर की व्यवस्था तो दाई ओर की व्यवस्था हेडिंग डाल दीजिए और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमसे क्या करा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाई ओर से सत्रवें अक्षर के दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके क्या बाई ओर से यानी कि बाई ओर से कौन से बाई ओर से सत्रवें अक्षर फिर क्या बोला है सत्तरवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर यानी कि राइट सातवां अक्षर पूछा है कौन सा होगा देखिए लेफ्ट को राइट में चेंज कर देंगे और राइट को लेफ्ट में क्या हो गया? ये ये एल सेवनटीन आर सेवनटीन हो गया और ये आर एल सेवन हो गया अब देखिए एक राइट है और एक लेफ्ट तो क्या हो गया हमारा राइट क्या आ गया आर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये चौबीस हो गया अब देखिए हमारा आंसर हमने कल आपको बताया था, था कि हमारा आंसर कभी राइट में नहीं आता हमें क्या करना है जब राइट को हमें लेफ्ट में चेंज करना होता है तो एल ट्वेंटी सेवन से हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं तो एल ट्वेंटी सेवन तो से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चौबीस सत्ताईस माइनस चौबीस क्या बचा ये आ गया हमारा एल थ्री और एल थ्री किसकी वैल्यू होती है एल थ्री का मान क्या होता है एल थ्री का मान होता है एल थ्री हमारा सी का मान होता है क्या होता है सी देखिएगा यहाँ पे हमने बताया था कि कल जब मान क्या हो राइट में आए तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए सत्ताईस से घटाकर उत्तर का आंसर निकालते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा चलिए तो फिर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप में एक एक टाइप के हम चार से पाँच पाँच क्वेश्चन करेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पंद्रहवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा तो क्या बोला है बाएं से पंद्रहवें अक्षर यानी कि लेफ्ट से पंद्रहवा अक्षर फिर क्या बोला है के दाएं चौथा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर पूछा है तो देखिए लेफ्ट है लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट राइट पंद्रह और लेफ्ट राइट को क्या करेंगे राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे क्या लेफ्ट फोर हो गया अब देखिए आर ये क्या है ये राइट है और ये लेफ्ट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर एटीन आर कितना हो जाएगा आर नाइनटीन हो जाएगा फिर देखिए अब क्या करेंगे ये राइट में है राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो किससे माइनस करेंगे आर को नाइन्टी चेंज करेंगे तो एल ट्वेंटी सेवन से, से माइनस कर देंगे तो क्या करिएगा देखिए ये क्या आ गया एल ए आठ और एल आठ किसका मान होता है एल आठ हमारा एच का मान होता है किसका मान होता है एच का होता है तो इसको नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखें देखिए अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएँ से अठारहवें अक्षर के बाएँ ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा क्या बोला है बाएँ से अठारहवें अक्षर बाएँ से अठारहवें बोला है तो एल अठारह हो गया फिर क्या बोला है के बाएँ और सातवां अक्षर यानी कि एल सेवन एल सेवन हो गया अब देखिए ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया तो लेफ्ट को राइट में चेंज कर लेंगे राइट एट्टीन और ये राइट right, सेवन ये दोनों क्या है समान दिशा है तो आपस में क्या हो जाएंगी आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर एलेवन हो जाएगा और हमारा आंसर किस में आएगा हमारा आंसर लेफ्ट में देना है तो इसको क्या कर देंगे लेफ्ट को ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारा बचेगा सिक्सटीन और सिक्सटीन किसका होता है सिक्सटीन हमारा पी की वैल्यू होती किसकी होती है पी की होती है चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फिर अगले क्वेश्चन पर बात करें चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है अंग्रेजी वर्णमाला माला को विपरीत क्रम में बाएं से दसवें अक्षर के दाएं और आठवां अक्षर कौन सा होगा क्या बोला है बाएं से दसवें अक्षर बाएं से दसवें अक्षर फिर क्या बोला है के दाएं और आठवां अक्षर कौन सा होगा के दाएं और आठवां अक्षर कौन सा होगा तो देखिए एल एल दस दिया है और आर्ट एन तो लेफ्ट को राइट में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा राइट टेन हो जाएगा और ये लेफ्ट एट हो जाएगा तो राइट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे विपरीत दिशा यानी असमान दिशा हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर एट्टीन हो जाएगा और आर एट्टीन को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे किस में चेंज कर लेंगे लेफ्ट में चेंज कर लेंगे तो लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा माइनस एट्टीन कितना बचेगा एल नाइन और एल नाइन किसकी वैल्यू होती है एल नाइन हमारी आई की वैल्यू हो जाती है किसकी होती है इन की आई की हो जाती है चलिए नोट कर लीजिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा साथ साथ में और प्रैक्टिस भी करते जाइएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा बाएं से सातवें अक्षर पूछा है बाएं से सातवें अक्षर फिर क्या बोला है के बाएं और के बाएं पांचवें अक्षर देखिए तो बाएं से पांचवें अक्षर क्या बोला है बाएं से पांचवें अक्षर बोला है बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं और सातवां अक्षर के दाएं सातवां अक्षर बोला है देखिए ये लेफ्ट फाइव और ये राइट फाइव फिर लेफ्ट फाइव को क्या करेंगे राइट फाइव में चेंज कर देंगे और राइट फाइव को लेफ्ट फाइव में चेंज कर देंगे क्या लेफ़्ट सेवन अब देखिए ये क्या दोनों? है दोनों आसमान दशाएँ आसमान दशाएँ आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे फाइव और सेवन कितना हो गया ट्वेल्व हो गया और ट्वेल्व किस में हम देना आंसर लेफ्ट में तो क्या करेंगे ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे तो जब ट्वेल्व माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा आ जाएगा पंद्रह और पंद्रह किसकी वैल्यू होती है पंद्रह हमारी ओ की वैल्यू हो जाती है किसकी ओ की वैल्यू हो जाती है चलिए तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर ओ हो गया यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सत्र अक्षर के दाई और पांचवा अक्षर बाएं से सत्रि की एल सेवनटीन फिर क्या बोल रहा है के दाई और पांचवा अक्षर के दाई और पाँच अक्षर कौन सा होगा तो देखिए ये लेफ्ट और ये राइट right, तो ये क्या है लेफ्ट right, को राइट right में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो गया राइट right, सेवेंटीन और राइट right को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे तो क्या लेफ्ट फाइव और राइट right और लेफ्ट आपस में क्या है आसमान दिशा है आपस में घट जाएंगी तो क्या हो गया सेवेंटी जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या हो गया ट्वेंटी टू और आर ट्वेंटी टू में मान देंगे नहीं आंसर तो क्या करेंगे लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से इसको माइनस कर लेंगे देखिए तो क्या आ गया हमारा एल फाइव और एल फाइव का मान क्या होता है एल फाइव ई का मान होता है किसका मान होता है ई का मान होता है, e है। चलिए नोट कर लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन पर देखेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से ग्यारहवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा क्या बोला है दाएसे दाएसे दाएं बाई से ग्यारहवें अक्षर के दाई और सातवां अक्षर कौन सा होगा तो एल ग्यारह और आर सेवन देखिए लेफ्ट को राइट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट ग्यारह राइट ग्यारह और राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया लेफ्ट सेवन अब देखिए क्या दोनों क्या हैं आसमान दिशा हैं तो क्या हो जाएगा आर आर कितना हो जाएगा आर एट्टीन हो जाएगा और आर एट्टीन देखिएगा आर एटीन हो गया अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे लेफ्ट से माइनस कर लेंगे लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे तो क्या हो गया देखिए क्या बचा लेफ्ट से नाइन और लेफ्ट नाइन आप लोग बताइए नाइन की कौन सी वैल्यू होती है नाइन नाइन किसकी वैल्यू होती है नाइन हमारी आई की वैल्यू होती है किसकी आई की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर ई e, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो गया चलिए नोट कर लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए फिर क्या बोला तो बाएं से पंद्रवें अक्षर के दाई और चौथा अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पंद्रवें अक्षर तो बाएं से पंद्रवें अक्षर फिर क्या बोला के दाई और चौथा अक्षर के दाई और चौथा अक्षर कौन सा होगा तो ये क्या है लेफ्ट पंद्रह है और ये राइट फोर है तो क्या करेंगे लेफ्ट को राइट में चेंज कर लेंगे और राइट को लेफ्ट में तो क्या हो गया ये एल फोर हो गया लेफ्ट फोर और ये राइट पंद्रह अब देखिएगा ये क्या है दोनों आसमान दिशा हैं आसमान दिशा आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या हो गया राइट पंद्रह और एल चौदह कितना हो गया राइट उन्नीस और हम लोग जानते हैं कि आर में राइट में आंसर कभी नहीं आता और राइट को आंसर क्या लेफ्ट में चेंज करने के लिए एल यानी लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से क्या करते हैं माइनस करते हैं जब एल ट्वेंटी सेवन से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइनटीन तो क्या आएगा हमारा देखिए क्या आ जाएगा एल एट और एल एट किसकी वैल्यू होती है एल एट हमारा आठ किसका मान होता है आठ हमारा एच का मान होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा एच क्या हो जाएगा एच हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीन ले लीजिए चल अब देखिए अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से बारहवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा क्या बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से बारहवें अक्षर अच्छा यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर लेफ्ट से बारहवें अक्षर अच्छा. फिर क्या बोला है अक्षर अच्छा के दाई और, और तो देखिए लेफ्ट और राइट तो लेफ्ट को क्या करेंगे राइट में चेंज कर देंगे राइट ट्वेल्व हो गया इसको राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया लेफ्ट सेवन और क्या असमान दिशा है तो दोनों क्या राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा लेफ्ट 19, आर नाइनटीन हो गया देखिए जब इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे लेफ्ट में तो ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे देखिए तो क्या हो गया एल एट और एल एट किसकी वैल्यू होती है एल एट हमारा एट किसका मान होता है एट हमारा एच का मान होता है तो इस टाइप का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे चलिए देख लीजिए अगला का टाइप क्या कहता अभी तक पढ़ा हमने क्या करता था पहले हमने सीधे क्रम में पढ़ा फिर वर्णमाला को उल्टे क्रम में पढ़ा और फिर कल ही हमने आपको एक फर्स्ट मतलब एक प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के बारे में बताया था तो अब बात करें क्या प्रथम अर्धांश जब मतलब अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया देखिएगा आप लोग देखिए एम देखिए ए बी C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z. देखिए हमने कल बताया था आप लोग को कि क्या जो F तक के एम तक के जो लेटर होते हैं वो प्रथम अर्धांश में आते हैं और एम के आगे के जो लेटर होते हैं वो क्या आते हैं द्वितीय अर्धांश में आते हैं देखिए प्रथम अर्धांश ये।, ये कौन सा हो जाएगा ये द्वितीय अर्धांश हो जाएगा हमसे बोला क्या क्या हमसे क्वेश्चन पर क्या बोलेगा क्वेश्चन बोला है प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित तो प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में बोला तो क्वेश्चन किस प्रकार से बोला क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग फिर हम बताते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाई ओर से उन्नीसवाँ अक्षर कौन सा होगा तो आपके दाई ओर से उन्नीसवां अक्षर कौन सा होगा तो देखिए आपके दाई और हमारा दाएँ और कौन सा हमारा दाएँ ये हो गया तो आपके दाई ओर से उन्नीसवाँ अक्षर यानी कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये क्या हो गया अठारह कौन सा हो गया ई हमसे पूछा हम आपके दाई ओर से उन्नीसवाँ अक्षर पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा ई हमारा हो जाएगा देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस कहाँ आया उन्नीस उन्नीस एफ में आया है तो क्या हो जाएगा क्या पूछा है दाई ओर से अठारहवा उन्नीसवा अच्छर कौन सा हो जाएगा एफ़ हो जाएगा अब इसको ये तो क्या हो गया एक विस्तारित मैटर हो गया लेकिन क्या इसका शॉर्ट मैटर इतना लंबा थोड़ी लगाना एग्जाम में हमें इतना लंबा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका शॉर्ट मैटर देखेंगे तो क्या बोला देखिए हमसे पूछा है आपके दाई ओर से उन्नीसवाँ अच्छा यानी कि राइट से उन्नीसवाँ पूछा है क्या पूछा है उन्नीसवाँ देखिए अब इसको ये क्या है राइट में है तो राइट में ही रहेंगे इसको लेफ्ट में चेंज नहीं करेंगे तो हम क्या है कभी राइट में, है? राइट में आंसर देते हैं राइट में आंसर नहीं देते तो क्या करते थे हम लोग राइट में जब आंसर क्वेश्चन होता था तो हम लोग उसको लेफ्ट से लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से चेंज कर लेते थे तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट ट्वेंटी सेवन चेंज करेंगे तो क्या आएगा लेफ्ट ट्वेंटी नाइन और नाइन्टीन कितना बचेगा हमारा बचेगा एट एट किसकी वैल्यू होती है चलिए तो क्या मिल गया लेफ्ट एट बस क्या मिल गया लेफ्ट एट मिल गया लेकिन ये क्या है ये हमारा ये हमारा राइट right आंसर नहीं है तो अब राइट right आंसर क्या है देखिए हमने क्या किया है यहाँ से जो तेरह अक्षर थे यहाँ से जो तेरह अक्षर थे इनको हमने क्या किया इनको रिवर्स ऑर्डर में यानी कि विपरीत क्रम में उल्टे क्रम में लिख लिया तो इनको क्या करेंगे जैसे कितने थे तेरह थे जब पूरे छब्बीस अक्षर होते थे तो उनके क्या सत्ताईस से घटाते थे और जब ये कितने हैं ये तेरह अक्षर हैं तो क्या करेंगे एल जब हमारा क्या आ जाए आंसर आ जाए तो हम एल को जब क्या जब आंसर हमें क्या मिले आंसर हमें तेरह इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आंसर हमें तेरह या तेरह से कम मिले तेरह या तेरह से कम मिले तो हम क्या करते हैं हम उसको चौदह से घटाकर एल चौदह से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं क्या करते हैं एल चौदह से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं परंतु जब उसके मान क्या मिल जाए जब हमें मान आंसर चौदह से चौदह या चौदह से ज़्यादा मिल जाए तो क्या करेंगे सेम वही आंसर हो जाता है इसमें क्या मिला एल आठ मिला और एल आठ क्या है हमारा तेरह से कम है एल आठ तेरह से कम तो क्या हो जाएगा एल आठ इससे चौदह से, से माइनस कर लेंगे क्या मिल जाएगा हमें एल सिक्स और एल सिक्स किसका मान होता है एल सिक्स हमारा एफ का मान होता है तो हमारा राइट right आंसर क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर एफ आ जाएगा क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा एक बार और सुन लीजिए नोट बनाकर जिसको लिखना हो लिख लीजिए तो क्या बोल रहा है अगर अक्षर अगर अक्षर अच्छा हमें क्या मिले तेरह या तेरह से कम मिले तो आंसर को हम चौदह से घटाकर अपना उत्तर प्राप्त करते हैं और अगर क्या मिले चौदह या चौदह से ज़्यादा मिलता है तो क्या करेंगे चौसे सेम वही आंसर हो जाएगा कौन सा उसमें प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में लिखा जाए ठीक है क्या किया जाए प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसका पूरे का क्या कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो फिर अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बात समझाएंगे बड़े विस्तार समझाएंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 21वां अक्षर आपके दाईं ओर से 21वां अक्षर यानी कि r का मान है, है, आपके ओर से माइनस तो है? है। तो कर देंगे तो क्या ट्वेंटी वन तो क्या जाएगा तो हमें आंसर सिक्स मिल जाएगा क्या मिल जाएगा एल सिक्स और हमने आपको बताया हुआ है कि जब प्रथम आर्धांश के विपरीत क्रम की बात करें तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम उसको एल चौदह से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा एल चौदह माइनस एल सेवन सिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बचेगा हमारा बचेगा एल एट क्या बचेगा एल एट और एल एट किसका मान होता है आठ किसकी वैल्यू होती है आठ होती है किसकी होती है आठ एच की वैल्यू हो जाती है किसकी होती है एच की तो हमारा राइट right आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा एच यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा तो क्या समझ गए समझ गए कि जब मान क्या मिले छः मतलब तेरह या तेरह से कम मिले तो आंसर क्या करें चौदह से घटाकर अपना उत्तर देते हैं चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर आपके दाईं ओर से दसवें अक्षर यानी कि आर दस बोला आपके ओर से दसवें अक्षर फिर क्या बोला है बाई और सातवां अक्षर के बाई और क्या बोला बाई और सातवां अक्षर बोला है कौन सा होगा तो देखिए राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो यह क्या हो गया आर आर मिल गया आर सेवनटीन मिल गया अब देखिए जब राइट में आंसर देते नहीं क्या करेंगे लेफ्ट में चेंज कर लेंगे लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा देखिए क्या मिल गया एल मिल गया लेफ्ट टेन मिल गया और जब लेफ्ट रियन क्या मिला तेरा मिला तेरह से क्या तेरह से कम मिल गया ना हमें जब नाम से कम मिलेगा तो क्या करेंगे तेरह से कम मिलेगा तो चौदह से घटा लेंगे क्या हो जाएगा टेन माइनस एल फोर और एल फोर किसकी वैल्यू होती है फोर होती है डी की वैल्यू तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए नोट कर लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे देखिए नोट कर लीजिए आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाई ओर से दसवें अक्षर के दाई ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाई ओर से यानी कि हमारे राइट साइड से दसवें अक्षर कौन सा दसवें अक्षर के दाई ओर के दाई ओर कौन सा और कौन सा बोला कौन सा होगा तो क्या हो गया राइट और राइट और राइट क्या हो जाएंगे? आपस में समान दिशा है तो समान दिशा आपस में क्या हो जाएंगी घट जाएंगी तो क्या करेंगे आर दस और आर सेवन क्या होगा देखिए आर थ्री हो जाएगा कौन सा हो गया आर थ्री हो गया अब आर थ्री क्या करेंगे राइट मिल गया तो राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे क्या हो गया एल ट्वेंटी फोर मिल गया अब क्या मिला आंसर हमें आंसर देखिए आंसर हमें क्या मिल गया आंसर क्या दाया था तेरह से ज़्यादा मिल गया क्या मिल गया चौबीस मिल गया एल चौबीस मिल गया तो क्या करेंगे आंसर सेम वही हो जाएगा यानी कि चौबीस चौबीस किसकी वैल्यू होती है चौबीस होती है हमारी एक्स की किसकी होती है एक्स की क्या होती है वैल्यू चौबीस होती है तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा एक्स हो जाएगा समझ गए होंगे आप लोग कि क्या जब आंसर तेरह से कम मिले तेरह मिल जाए या तेरह से कम मिले तो उसको चौदह से घटा देंगे और आंसर अगर तेरह से ज़्यादा मिलता है तो सेम वही आंसर हो जाता है चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीन ले लीजिए फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाई ओर से सत्रवां अक्षर कौन सा होगा हमारे दाई ओर से सत्रवां अक्षर कौन सा होगा कौन सा होगा दाई ओर से सत्रवां अक्षर कौन सा होगा तो देखिए राइट सत्रह तो राइट सत्रह को क्या करेंगे हम लेफ्ट और चेंज कर देंगे लेफ्ट ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सत्रह माइनस एल लेफ्ट क्या लेफ्ट टेन मिल गया और आंसर देखिए क्या मिला है हमें लेफ्ट में मिला है और तेरह से कम मिला है जब तेरह से कम आंसर मिलेगा तो क्या करते थे चौदह से घटा देते थे तो क्या हो जाएगा देखिए चौदह माइनस दस कितना बचा हमारा चार और चार किसका आंसर चार किसकी वैल्यू होती है चार डी की प्लेस वैल्यू होती है किसकी डी की प्लेस वैल्यू हो जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा ठीक है तो नोट कर लीजिए फिर अगले क्वेश्चन पर देखेंगे नोट कर ली जल्दी से थोड़ा सा देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाई ओर से अठारहवें अक्षर के बाई ओर छठा अक्षर कौन सा होगा क्या बोला है दे आपके बाई ओर से आपके बाई से यानी लेफ्ट से आठवें अक्षर क्या बोला लेफ्ट से अठारहवें अक्षर बोला है. फिर क्या बोला है अक्षर के बाई और छठा के बाई और छठा यानी कि लेफ्ट छटा अक्षर कौन सा होगा तो देखिए कौन सा अक्षर होगा तो एल ये क्या है ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है ये क्या दोनों असमान दिशा हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी आपस में घट जाएं। जाएंगे से, से तो देखिए चौदह से माइनस कर लेंगे चौदह माइनस बारह यानी दो क्या हो जाएगा हमारा दो किसकी प्लेस वैल्यू होती है दो होती है बी की प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू होती है बी की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो देखिए अभी तक क्या पढ़ा रिवर्स ऑर्डर पढ़ लिया और इसके बाद प्रथम अर्धांश पढ़ लिया प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर अब क्या पढ़ेंगे अगला टाइप पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश पढ़ लिया अब द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पर पढ़ पढ़ेंगे किस प्रकार देखिए जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ये क्या होगा प्रथम अर्धांश होगा यहाँ से यहाँ तक प्रथम अर्धांश इसके आगे क्या बताए थे वो द्वितीय अर्धांश होते हैं जैसे उनको क्या करेंगे विपरीत क्रम में लिख देंगे जैसे कहाँ से एन शुरू होते थे तो एन क्या आ गया लास्ट में आएगा और क्या जेड जेड से शुरू जेड वाई एक्स W वी यू फिर टी एस आर क्यू P, O, O और N क्या होगा देखिए ये हो गया प्रथम अर्धांश और ये हो गया द्वितीय अर्धांश ये फर्स्ट हाफ हो गया ये सेकंड हाफ हो गया अब देखिए फर्स्ट हाफ हो गया सेकंड हाफ हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम टाइप पढ़ रहे हैं जब मतलब द्वितीय अर्धांश को क्या करें विपरीत क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में लिख दिए दे। तो देखिए हमने क्या किया इसको उल्टे क्रम में लिख दिया अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कैसे पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाहिने बारवां अक्षर कौन सा होगा क्या बोला है बाएं से आठवें अक्षर बाएँ से कौन सा हमारा बाया हो गया बाया ये दाया हो गया और ये बाएं से आठवें अक्षर तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ मिल गया क्या बोला है फिर क्या बोला कि अक्षर के दाहिने के दाहिने बोला दाहिने बारवा अक्षर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह क्या बोला है अक्षर के दाहिने के दाहिने कौन सा दाहिने बोला है बारवा अक्षर तो क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा टी तो ये देखिए तो हमने विस्तार में पढ़ लिया इस प्रकार से हमें नहीं लगाना ये तो क्या था हमारा एक बेसिक था अब हमें लगाना किस प्रकार से थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा देखिए हमसे क्या बोला था हमसे बोला था कि बाए से आठवें बाए से आठवें यानी कि एल एट बोला था बाए से बाठवें अक्षर के दाहिने के दाहिने बार अक्षर कौन सा हो जाएगा देखिएगा एल आठ और आर बारह तो क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा बीस क्या हो गया एल बीस और एल बीस जब मिल गया तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा एल बीस तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा तो क्या करेंगे इसमें इसमें जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते द्वितीय अध्यांश वाले तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिएगा जब हमें आंसर जब हमें आंसर क्या होता है देखिए जब हमें आंसर चौदह ये चौदह से ज़्यादा प्राप्त हो चौदह या चौदह से अधिक प्राप्त हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करते हैं आंसर को चालीस से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं तो नोट बनाकर भी लिख लीजिएगा कि जब द्वितीय अर्धांश वाले क्वेश्चन में आंसर हमें चौदह या चौदह से ज्यादा प्राप्त हो तो क्या करते हैं चालीस से एल चालीस से घटाकर उत्तर देते हैं किससे एल चालीस से घटाकर उत्तर देते हैं तो देखिएगा और जब जब चौदह या चौदह से कम मिल जाए तो क्या देखिए तेरह क्या किया हमने जो उनको विपरीत किया है जो चौदह के आगे लेटर आए हैं उन्हें उल्टे क्रम में किया है तो इसलिए क्या करते हैं चौदह से आगे वालों को चालीस से घटाते हैं लेकिन वो जो हमारे ए से लेकर जे एम तक थे वो क्या है वो अपनी सेम स्थिति में है तो देखिए क्या करें मिल गया एल बीस मिल गया तो क्या हमने बताया कि एल चालीस से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं एल चालीस से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा बीस माइनस क्या मिल जाएगा एल बीस तुम्हारा तो आंसर क्या हो जाएगा एल बीस किसकी वैल्यू होती है बीस वैल्यू होती है टी की तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर right हो जाएगा तो समझ गए होंगे इसका आप लोग नोट लिख लीजिएगा नोट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप लोग उसका स्क्रीन ले लीजिए चलिए तो देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप में अगला क्वेश्चन इसका स्क्रीन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाई ओर से बारहवें अक्षर के बाएँ चौथा अक्षर कौन सा होगा क्या बोला दाई ओर से दाई ओर से बारहवें अक्षर दाई ओर से यानी कि आर दाई ओर से बारहवें अक्षर के बाएँ चौथा अक्षर के बाएँ चौथा अक्षर कौन सा होगा तो आर बारह और एल चौदह तो आपस में क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये और क्या है असमान दिशाएं हैं असमान दिशाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो आर बारह और एल चार क्या हो गया आर सोलह क्या मिल गया आर सोलह मिल गया अब देखिए आंसर हमारा किस में आता है आंसर हमारा राइट में कभी नहीं आता है आंसर किस में आता है लेफ्ट में आता है तो देखिए क्या हो जाएगा एल सत्ताइस से हम घटा लेते थे तो क्या हो गया एल सोलह मिल गया अब एल सोलह जब घटाएंगे कितना मिल जाएगा एल ग्यारह एल कितना मिल जाएगा एल ग्यारह तो आंसर क्या मिला हमें आंसर हमें लेफ्ट में मिला और क्या मिला तेरह से चौदह से कम मिला जब चौदह से ज्यादा हमें आंसर प्राप्त होता जब चौदह से हमें ज्यादा आंसर मिलता तो हम क्या करते चालीस से घटा लेते लेकिन हमें क्या आंसर क्या मिला चौदह से कम मिल गया तो क्या ग्यारह किसकी वैल्यू होती है ग्यारह होती है के की प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू होती है ग्यारह के की प्लेस वैल्यू हो जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर के इसका राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग चलिए अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से बीसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर आपके ओर से बीसवें अक्षर ओर से बीसवें अक्षर फिर क्या बोला के बाएं पाँचवां अक्षर के बाएं पाँचवां अक्षर ये लेफ्ट और ये लेफ्ट ये क्या आपस में तो क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे तो क्या लेफ्ट बीस और लेफ्ट पाँच क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट पंद्रह और लेफ्ट पंद्रह मिल गया और हमने आपसे बताया था कि द्वितीय अर्धांशिक क्वेश्चन में जब आंसर क्या मिले जब आंसर पचदह या चौदह से अधिक मिल जाता है तो आंसर उत्तर को चालीस से घटाकर उत्तर देते हैं तो क्या हो गया देखिए एल चालीस से घटाएंगे माइनस पंद्रह क्या मिल गया हमें पच्चीस मिल गया और पच्चीस किसकी प्लेस वैल्यू होती है पच्चीस हमारी वाई की प्लेस वैल्यू किसकी वाई की प्लेस वैल्यू हो जाती है किसकी वाई की तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर वाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो इसका भी स्क्रीन ले ले फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, ले लीजिए तो अगला क्वेश्चन देखें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से अठारहवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर बाईं ओर से अठारहवें अक्षर बाईं ओर से अठारहवें अक्षर फिर क्या बोला है कि दाएं छठवां अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा देखिए एल अठारह और आर एल अठारह आर सिक्स तो क्या आ जाएगा एल अठारह और 6 कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा हमारा आंसर कैसे मिल गया लेफ्ट में मिल गया तो क्या करेंगे आंसर चौबीस से ज्यादा यानी चौदह से ज़्यादा मिल गया क्या मिला चौबीस मिल गया तो एल चालीस से घटा लेंगे तो एल चालीस से चौबीस तो क्या मिल जाएगा एल छब्बीस एल कितना मिल जाएगा एल सोलह मिल जाएगा और सो कि, सोलह किसकी प्लेस वैल्यू होती है सोलह ओ की प्लेस वैल्यू होती है किसकी सोलह ओ की प्लेस वैल्यू होती है कल हमने आपसे कहा था कि आप लोग इनको याद कर लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद भी हो जाए हो गए होंगे चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा ओ हमारा राइट right आंसर हो जाएगा देखिए क्या मिला सोलह मिला एल सोलह तो एल सोलह ओ की प्लेस वैल्यू नहीं होती एल सोलह पी की प्लेस वैल्यू किसकी पी की प्लेस वैल्यू होती है चलिए चलिए तो अब बात करते फिर अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकंड द्वितीय अर्धांश को यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से सातवें अक्षर के पंद्रवाँ अक्षर कौन सा होगा हो। बाएं से सातवें अक्षर के बाएं पंद्रहवा अक्षर यानी कि एल सातवें अक्षर के बाएं पर कौन सा पंद्रवा अक्षर कौन सा होगा देखिए एल सात और एल आठ देखिए लेफ्ट सात सेवन मिल गया और लेफ्ट फिफ्टीन मिल गया तो क्या करेंगे आपस में असमान दिशाएँ हैं तो आपस में घट जाएंगी तो क्या मिल जाएगा एल एट मिल गया और एल एट किसका मिल गया सेवन माइनस फिफ्टीन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का एट मिल गया क्या मिल गया माइनस का एट मिल गया तो अब देखिए जब हमें आंसर माइनस का एट मिल जाए जब आंसर माइनस में मिल जाए तो उसको क्या करते हैं छब्बीस से घटा लेते हैं तो देखिए छब्बीस माइनस आठ कितना मिलेगा छब्बीस से छब्बीस में क्या करेंगे जोड़ देंगे माइनस आठ प्लस छब्बीस तो, आट, तो, आट, तो क्या मिल जाएगा देखिएगा प्लस का अठारह मिल जाएगा और प्लस का अठारह क्या मिल गया लेफ्ट से अठारह मिल गया तो बताया था आपको कि जब आंसर क्या मिले चौदह से ज़्यादा मिल जाए तो चालीस से घटा कर किससे चालीस से घटाकर उत्तर देते हैं तो अठारह घटाएँगे कितना मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा बाईस 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 22 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है 22 वी की प्लेस वैल्यू होती है आंसर 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 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा? जाएगा। हमारा हमारा राइट चलिए नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे यदि निम्नलिखित वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाई ओर से अठारहवें अक्षर के दाई ओर छठवाँ अक्षर कौन सा होगा आपके बाई ओर से अठारवां अक्षर यानी कि एल एटीन फिर क्या बोला दाई ओर से छठवां अक्षर यानी कि राइट से छठवां अक्षर कौन सा होगा तो देखिए ये लेफ्ट अठारह और ये राइट छः तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट का ट्वेंटी फोर मिल जाएगा लेफ्ट का ट्वेंटी फोर मिल जाएगा तो बताया था हमने ये आंसर क्या चौदह से ज़्यादा आएगा तो चालीस से घटा लेंगे तो क्या एल चालीस से घटाएंगे क्या हो जाएगा एल चालीस माइनस चौबीस क्या आ यार एल सोलह मिल जाएगा और एल सोलह किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल सोलह हमारी पी की प्लेस वैल्यू किसकी पी की प्लेस वैल्यू होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर पी हो जाएगा चलिए तो ये टाइप हमारा खत्म होता है ये तो देखेंगे आज का लास्ट टाइप देखिए हमने पढ़ लिया प्रथम अर्धांश पढ़ लिया द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में पढ़ लिया अब देखिए अब क्या होगा जब हमें दोनों क्या हो जाए और जब हमें दोनों प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दे तो फिर उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे अब देखिए अभी तक क्या था हमने पढ़ा इसके पहले जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया फिर क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया अब क्या बोला यहाँ पे अब एक बार द्वितीय प्रथम अर्धांश को और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में कर दिया जब दोनों को विपरीत क्रम में कर दे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रकार सोल्व करेंगे तो उनको समझेंगे हम तो देखिए क्वेश्चन अगर हमसे कह दे अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से आठवें अक्षर बाय से आठवें अक्षर बाएं से आठवा देखिए दाया हो गया ये बाए बाए से आठवें अक्षर एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ बाएं से आठवें अक्षर के जाए, बाए, बाए, बाए आठवें अक्षर के बायें बाय से आठवें अक्षर के बाय पांचवा अक्षर तो देखिए इसका बाया कौन सा हो जाएगा इसका बाया तो ये दाया हो जाएगा इसके बाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा तो देखिए एक दो तीन चार पाँच क्या पूछा है पाँचवा अक्षर पूछा है पाँचवें अक्षर के बाएं अब क्या पूछा है देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर तो क्या के के बाएं ये पाँचवा मिल गया ये आठवां मिल गया के बाएं तीसरा अक्षर तो एक दो और फिर कहाँ जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर से शुरुआत यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बाएँ और तीसरा अक्षर पूछा हमसे पूछा था अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षरों को दोनों अर्धांसों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएँ से आठवें अक्षर के बाएँ पाँचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर तो क्या बाए से बाएँ से आठवां अक्षर ये एफ मिल गया एफ के बाएं जाएंगे एफ के बाएँ तो पांचवा क्या हो गया के मिल गया और जब के के बाएँ जाएंगे, तो एम मिल गया और जब एम मिल गया एम बचा गया, एम दो तक आ गया एक और दो आ गया अब क्या तीसरा अक्षर चाहिए तीसरा अक्षर कहां से मिलेगा तीसरा अक्षर कौन सा मिल जाएगा तीसरा अक्षर एन मिल जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर एन हो जाएगा तो देखिएगा ये तो क्या हो गया ये तो हमारा विस्तारित मैथर हो गया अब क्या देखेंगे इसका शॉर्ट मैथ तो शॉर्ट मैथ क्या हो जाएगा देखिए हमसे बोला क्या है बाएं से आठवें अक्षर यानी कि लेफ्ट से आठवें अक्षर फिर क्या बोला है कि अक्षर के बाए पांचवें अक्षर यानी कि लेफ्ट से पांचवें अक्षर फिर देखिए क्या बोला है? के बाएं तीसरा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा के बाएं तीसरा अक्षर चलिए तो ये क्या है एल और एल यानी समान दिशा आपस में घट जाएंगे तो एल आठ और एल पाँच क्या हो जाएगा एल एल क्या बचेगा एल तीन बचेगा आपस में क्या होगा घट जाएंगी और यहाँ क्या बचा एल यहाँ क्या बचा यहां बचा एल थ्री और एल थ्री और एल थ्री आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे तो क्या बचेगा एल जीरो और एल जीरो हमने शुरुआत में बताया था कि जब जीरो की वैल्यू क्या होती है जब जीरो की वैल्यू छब्बीस यानी कि लास्ट वाला अक्षर होता है तो जब क्या करेंगे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो क्या आया एल जीरो तो एल जीरो आ गया देखिए एल जीरो आ गया तो एल जीरो यानी कि छब्बीस की वैल्यू होती है तो छब्बीसवें स्थान पर गिना जाए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस तो छब्बीसवां अक्षर कौन सा हो जाएगा छब्बीसवां अक्षर एन हो जाएगा एल जीरो की वैल्यू ये क्या ओ नहीं लिखा ये क्या लिखा है जीरो लिखा है तो एल जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी एल जीरो की वैल्यू एन हो जाएगी क्योंकि अल्फ़ाबेट में जब जीरो का मान जीरो होता है जीरो यानी छब्बीसवें लास्ट लास्ट वाले लेटर का मान होता है तो जब दोनों को विपरीत कर देंगे तो जब दोनों को विपरीत कर देंगे तो हमारा लास्ट वैल्यू कौन सी जाएगी तो एम क्या हो जाएगा एन सबसे लास्ट यानी कि छब्बीसवें प्लेस पर पहुंच जाएगा तो हमारा क्या एल जीरो का मान कितना हो जाएगा एल जीरो का मान एन हो जाएगा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा फिर देखिए इसको नोट कर लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए क्या अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से पंद्रह अक्षर के दाएं पाँचवें अक्षर बाएं से पंद्रहवें अक्षर यानी कि एल पंद्रह पंद्रह अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर पंद्रह अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर यानी कि आर फाइव फिर क्या बोला कि बाएं और सातवां अक्षर यानी कि एल सातवां अक्षर क्या बोला एल मतलब लेफ्ट पंद्रह फिर राइट पांच और एल सेवन हो गया देखिए ये लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया एल बीस एल बीस एल सेवन अब एल बीस एल तेरा हो जाएगा एल तेरा एल तेरा एल तेरा मिल गया अब देखिए अब देखिएगा एल तेरा मिल गया तो हमारा आंसर क्या एल तेरा हो जाएगा हमारा तो आंसर तेरह तो होगा नहीं क्यों नहीं होगा देखिए इस पहले क्या किया था एक को विपरीत क्रम में लिखा था जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था तो हमने क्या किया था तेरह अगर हमने बताया था अगर तेरह या तेरह से ज्यादा कम मिले तो क्या करते हैं उसको चौदह से घटाकर उत्तर देते हैं और जब द्वितीय पढ़ाया तो क्या किया था जब चौदह या चौदह से ज्यादा मिल गए तो क्या करेंगे मतलब चालीस से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे अब लेकिन देखिएगा यहाँ पर दोनों विपरीत क्रम में दोनों क्या हैं दोनों विपरीत क्रम में हैं जब दोनों विपरीत क्रम में हैं तो दो दोनों का रूल यहां पर लग जाएगा तो यहां क्या करेंगे देखिए अब देखिएगा आप लोग देखिए जब आंसर क्या मिले जब आंसर हमें तेरह जब आंसर हमें तेरह जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आंसर हमें तेरह या तेरह से कम मिले तेरह या तेरह से कम मिले तो चौदह से घटाएंगे किससे घटाएंगे चौदह से घटाएंगे और जब आंसर हमें चौदह या क्या मिले चौदह या चौदह से अधिक प्राप्त हो तो क्या करेंगे चौदह से अधिक प्राप्त हो तो चालीस से घटाएंगे किससे चालीस से तो देखिएगा हमें क्या मिला है आंसर हमें मिला है एल तेरह एल तेरा क्या मिला है चौदह से तेरह से कम मिला है ना तेरह बोला था हमने देखिए नोट लिख दिख रहा होगा उसका भी आप लोग स्क्रीन ले लीजिए हमने कहा क्या था अगर तेरह से कम मिले तेरह या तेरह से कम मिले तो यहाँ पर हमें क्या मिला है तेरह से कम मिला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखिए चौदह से घटाएंगे चौदह माइनस तेरह चौदह माइनस तेरह कितना हो जाएगा हमारा एक और एक किसकी प्लेस वैल्यू होती है एक होती है ए की प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू होती है एक ए की प्लेस वैल्यू होती है तो हमारा तो तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा तो समझ गए होंगे आप कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो चौदह से घटाते थे और जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होता था तो चालीस से घटाते थे और यहां पर क्या है दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है प्रथम अर्धांश भी और द्वितीय अर्धांश भी जब दोनों विपरीत क्रम में होता है तो जब आंसर हमें क्या तेरह या तेरह से कम मिले तेरह या तेरह से कम मिले तो चौदह से घटाएंगे और जब चौदह या चौदह से ज्यादा मिले तो चालीस से घटाकर अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा तो फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे देखिए चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग अंग्रेज क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बताइए बाएं से दसवें अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा देखिएगा क्या बोला है बाएं से दसवें यानी एल दसवें अक्षर लेफ्ट से दसवां अक्षर फिर क्या बोला है के दाएं पांचवें अक्षर के पांचवें यानी राइट से पांचवा बोला है फिर क्या दिया है फिर बोला है दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा तीसरा अच्छा बोला कौन सा होगा देखिए L10 R5 क्या हो गया लेफ्ट 10 और राइट 5 आपस में जुड़ जाएंगे असमान दिशा है तो क्या हो जाएगा लेफ्ट 15 हो जाएगा अब तो क्या करेंगे R यानी कि राइट थ्री वैसे वैसे रख लेंगे अब क्या देखेंगे L15 और R13 क्या मिल जाएगा L18 क्या मिल जाएगा L18 और हमने आपको बताया है कि मान जब चौदह या चौदह से ज्यादा मिलेगा तो आंसर क्या करेंगे चालीस से घटाकर तो एल चालीस से घटाएंगे माइनस अठारह क्या मिल जाएगा एल बाईस क्या मिल गया एल बाईस मिल गया और एल बाईस किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल बाईस हमारी वी की प्लेस वैल्यू वैल्यू होती है किसकी होती है वी की प्लेस वैल्यू वी होती है चलिए चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको किसकी वी की प्लेस वैल्यू होती है कौन सी चलिए नोट कर लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है अंग्रेजी बर्डमाला के दोनों आधांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बताइए दाएं से बारहवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा क्या बोला दाएं से बारहवें अक्षर राइट से बारहवां अक्षर फिर क्या बोला कि दाएं चौथा अक्षर कि दाएं चौथा अक्षर फिर क्या बोला कि बाएं सातवां अक्षर कि बाएं सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा देखिए आर राइट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे तो यानी आर आर आठ मिल गया आर आठ और ये एल सेवन ये राइट हो गया ये लेफ्ट आपस में दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे क्या मिल गया आर पंद्रह मिल गया अब हमारा आंसर किस में आता था हमारा आंसर किस में आ जाए लेफ्ट में आ जाइए तो क्या करेंगे एल ट्वेंटी सेवन से इसको तो माइनस कर लेंगे क्या एल ट्वेंटी सेवन से माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा एल ट्वेल्व मिल जाएगा और हमने बताया हुआ था आपको कि जब आंसर क्या मिले जब हमें तेरह या तेरह से कम मिले तो किससे घटाएंगे घटाएँगे चौदह से घटाएंगे चौदह से घटाएंगे क्या मिल जाएगा चौदह माइनस एल चौदह माइनस बारह तो क्या मिल जाएगा एल टू मिल जाएगा और एल टू किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल टू हो जाती है हमारी बी की प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल टू बी की प्लेस वैल्यू होती है चलिए तो देखेंगे आज का लास्ट टाइप था ये और आज के लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग चलिए लास्ट टाइप में क्या बोल रहा है अंग्रेजी बाढ़माला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लेके दिया जाए तो बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाए नौवा अक्षर कौन सा होगा तो बताइए बाएं से दसवें यानी कि लेफ्ट से दसवें अक्षर लेफ्ट से दसवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के बाएं पाँच में अक्षर फिर क्या बोला है कि दाएं नौ अक्षर अच्छर के दाएं नौ अक्षर कौन सा होगा तो लेफ्ट और लेफ्ट आपस में घट जाएंगे कौन सा जाएगा लेफ्ट फाइव हो जाएगा अब देखिए लेफ्ट फाइव और ये राइट नौ राइट नौ एल पाँच देखिएगा एल पाँच और आपस में क्या हो जाएंगे आसमान दिशा है तो आसमान दिशा आपस में जुड़ जाती है तो आर नौ कितना हो गया तो आंसर क्या मिल गया हमें एल चौदह मिल गया लेकिन हमें बताया था कि क्या करेंगे जब आंसर चौदह या चौदह से ज्यादा मिलता है तो चालीस से घटाकर यानी कि एल चालीस से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा एल चालीस से घटाएंगे तो चौदह से देखिए क्या मिल गया हमें मिल गया छब्बीस मिल गया क्या मिल गया छब्बीस मिल गया तो एल छब्बीस और एल छब्बीस देखिएगा छब्बीस किसका मान होता है छब्बीस होता है जेड की प्लेस वैल्यू किसकी जेड प्लेस वैल्यू होती है छब्बीस हमारी जेड की प्लेस वैल्यू होती है तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमारा आंसर जेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो आज के लिए देखिए आज के लिए इतना ही और कल क्या पढ़ेंगे कल बड़माला के मध्य पर आधारित प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है बड़माला के मध्य का अक्षर दाएं से नौवें अक्षर के बाएं से पांचवें अक्षर के मध्य का कौन सा अक्षर होगा इस टाइप के बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा जो समझ में नहीं आया तो हम आप लोग मैसेज आप लोग मैसेज करिएगा हम लोग कल आप कल आपको सारे डाउट क्लियर भी कर देंगे चलिए जब तक के लिए जय हिंद नमस्कार